नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति और आज बात करते हैं आशीर्वाद देने वाले रोबोट पादरी की। आज हम लोग मशीनों पर इस हद तक निर्भर रहते हैं कि बिना मशीनी सहायता जागना और सोना भी मुश्किल है। आज दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मशीन का दखल न हो ऐसा संभव ही प्रतीत नहीं होता। मनुष्यों की मशीनी निर्भरता इस हद तक बढ़ गई है कि आने वाले समय में मनुष्य स्वयं भी एक पूरी या आधी मशीन बन जाएगा। जापान कोरिया में तो रोबोट रेस्टोरेंट कॉरपोरेट कार्यालय में कर्मचारी के रूप में और घर पर साफ सफाई के कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन जर्मनी में एक ऐसा रोबोट भी है जो चर्च में पादरी का कार्य कर रहा है। इसका नाम वैज्ञानिकों ने ब्लेस यू टू रखा है। अब चूंकि इसका नाम ही ब्लेस यू टू है इसीलिए ये किसी अन्य पादरी की तरह लोगों को आशीर्वाद भी देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके एक हाथ से रोशनी भी निकलती है। जब कोई व्यक्ति इसके पास आशीर्वाद लेने जाता है तो रोबोट उससे पूछता है कि वो स्त्री या पुरुष किस आवाज में आशीर्वाद लेना चाहता है। फिर वो पूछता है कि उसको कौन सा आशीर्वाद चाहिए। चर्च में आए व्यक्ति की इच्छा जानकर वो न केवल व्यक्ति को आशीर्वाद देता है बल्कि बाइबल की पंक्तियां भी पढ़ता है। कई लोग इस चर्च में आकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस रोबोट पादरी के आने के बाद से इस चर्च में लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। फिलहाल ये जर्मनी के एक गिरजाघर में अपनी सेवाएं दे रहा है।